वो ट्वीट करके डिलीट की ऋषभ पंत ने, और उर्वशी ने आड़े हाथों ले लिया उसको। तो उर्वशी तो मैली है, मैली औरत है वो, तो आपको पता ही है यार। क्यों, वो तो क्यों डेट किया उसको, मर्जी उसकी, लौंडे आपको पता है। गलती हो जाती है ना, गलती तो हो जाती पहले है। मैंने पहले ही कहा है कि भाई क्रिकेट का बल्ला इस्तेमाल किया करो, खुद इस्तेमाल हो गए ना तो पकड़े जाओगे। इन टाइम्स टू कम ऋषभ पंत आई थिंक इज गोना बी द सुपरस्टार, और सुपरस्टार उनको बनना चाहिए। टैलेंट उनके पास पूरा है, शॉर्ट उनके पास पूरी है। अब यहाँ से उनको रोकना, वो अपने आप को रोक सकते हैं और इनको कोई नहीं रोक सकता, बस अपना थोड़ा। ये मेरे पीछे आया, मैंने उसको होटल लॉबी में वेट करवाया तो फला था, फिर उसने कोई बर्थडे इसको विश किया, वो गलत डेट पे कर दिया ऋषभ पंत को, ऋषभ पंत ने उसको पता नहीं बहन बोल दिया, फिर उसने उसका छोटे भाई, मतलब यार ऋषभ पंत उस लेवल का क्रिकेटर है कि भाई आपको किन चक्रों में आप पड़ रहे हो यार, किस किस के मुंह लग रहे हो आप, मतलब भाई क्या ना। तो वो बच्चा है, दिल आपको का, पता दिल ही का साफ बच्चा है वो, उसकी बातें मैंने सुनी है। डर की है भाई, डर की है, दिल का साफ क्या डर की का यार, उस बेचारी के लिए बैठा रहा था वो बात पूरा पूरा दिन, मैं वो डब्ल्यूसी के अंदाज में विकटों के पीछे बैठा रहता था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप ऋषभ पंत के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ऋषभ पंत इतने मज़ेदार इंसान हैं कि उनको देखकर ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और वो जिस प्रकार के बैट्समैन हैं, और उन्होंने साफ तौर से जाहिर किया है इंग्लैंड के सीरीज में और यहाँ वेस्टइंडीज की सीरीज में, को किस प्रकार के बैट्समैन हैं और आगे अपनी टीम इंडिया के लिए किस प्रकार के फ्यूचर हैं, और इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी कहीं ना कहीं उनको लताड़ ही रही है कि आप आने वाले इंडिया का भविष्य हैं और आप ऐसे करेंगे उस लड़की के चक्कर में जो जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है। हालांकि उर्वशी रौतेलिया बॉलीवुड की बहुत ही बड़ी स्टार हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि उन्होंने जिस प्रकार की चाल चली है और ऋषभ पंत ने उनको जिस प्रकार का जवाब दिया है वो काफ़ी मज़ेदार था, कि ऋषभ पंत ने उनको दीदी बोल दिया। हालाँकि वो थोड़ी सी फेम के लिए ऋषभ पंत का नाम यूज कर रही थी कि हमने होटल में उसको बुलाया और घंटों तक वेट कराया, लेकिन वहाँ गई नहीं। तो ऋषभ पंत ने इस पर ट्वीट करके लिखा कि दीदी इतना झूठ मत बोला करिए, अगर पैसा और फेम चाहिए तो फिर मेहनत करके बनाइए, और उन्हें दीदी बोल दिया। इस बात को लेकर पाक मीडिया काफ़ी मज़े भी ले रही है और ऋषभ पंत को लताड़ भी रही है। तो दोस्तों पाक मीडिया और क्या क्या कह रही है ऋषभ पंत के बारे में, देखने के लिए शुरू करते हैं मज़ेदार वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे ऐसे वीडियो अपडेट लाते रहें। चले कर लेते हैं, मैंने यार थंबनेल नहीं लगाया, अब ये कल तक बड़ा शदीद मसला हो गया। क्या हुआ, वो ट्वीट करके डिलीट की ऋषभ पंत ने, और उर्वशी ने आड़े हाथों ले लिया उसको। तो उर्वशी तो मैली है, मैली औरत है वो, तो आपको पता ही है यार। तो क्यों, क्यों डेट किया उसको, मर्जी उसकी, लौंडे आपको पता है। गलती हो जाती है ना, गलती तो मैंने पहले कहा, मैंने पहले ही कहा है कि भाई क्रिकेट का बल्ला इस्तेमाल किया करो, खुद इस्तेमाल हो गए ना तो पकड़े जाओगे, बल्ला इस्तेमाल किया करो, समझना चाहिए ना। पार्टी है कौन सी, ठीक है ना। तो वो बच्चा है, आपको पता ही है, दिल का साफ बच्चा है वो, उसकी बातें मैंने सुनी है। डर की है भाई, डर की है, दिल का साफ क्या, डर की का यार, उस बेचारी के लिए बैठा रहा था वो बात पूरा पूरा दिन, मैं वो डब्ल्यूसी के अंदाज में विकटों के पीछे बैठा रहता था, तो कहीं तो गुबार निकालेगा ना वो, है पूरा पूरा दिन घुटनों के बल बैठे रहेगा, तो कहीं तो निकालेगा ना भाई वो। अब वो मिल गई उसको ठोक ठाक के, उसने बराबर कर दिया पूरा। और समथिंग वेरी डिफरेंट। अबे भाई ये अभी मैं क्या बोलूं यार, यार आप कंट्रोल, हाँ। आप कभी भी ना जिस जो आपकी नजर में भाई से ठरक है ना, आप उसको कभी भी उस पर क्रिटिसिज्म नहीं करोगे, हाँ। आप दूसरे चक्कर में रहोगे, जी हुजूरी वाला मामला होगा। देखो ये आप उसको बातें नहीं सुनाओगे, इसने बातें सुनाई है उसको पहले, किसको, उर्वशी को। हाँ तो ये तो दिलो जान और ईमान सब बना चुके थे ना उनको, कि मेरी मर्जी के बगैर घर से नहीं निकलोगे। नेगी में इंटरेस्ट है उसका यार। तो अपने आप ये वाली क्रिकेटर तो दुनिया की सबसे बेवफा कौम है ना यार, वो अच्छा। दुनिया का कोई भी क्रिकेटर हो, अच्छा, इनसे ज्यादा बेवफा कोई नहीं, इनके सबसे ज्यादा स्कैंडल होते हैं। तो बाबर भी तो बेवफा निकल गया, शोएब मल भाई कह रहे हैं वफा ही नहीं की, तो वो तो पहले से ही है, गाना भी गाया कल उन्होंने की वफा जो न की तो जफा भी ना की। मैं यही कह रहा हूँ की हफीज का तो नाम भी नहीं लिया उन्होंने, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, तो काटते हैं उनको। उसको फर्क पड़ता है, हम जैसे लोगों को शायद फर्क ना पड़े क्योंकि हमें कोई जानते ही नहीं, भाई साफ सीधी बात है, जो लिखना है लिखो, लेकिन जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनको बिल्कुल फर्क पड़ता है अगर उनके बारे में इस किस्म की उल्टी सीधी चीजें लिखी जाए। अब ये जो खातून है रौतेला वगैरह जो भी है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या है इसका, मतलब मुझे इतना पता है कि इनका सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा है। वो कहती है ये मेरे पीछे आया, मैंने इसको होटल लॉबी में वेट करवाया तो फला था, फिर उसने कोई बर्थडे इसको विश किया, वो गलत डेट पे कर दिया ऋषभ पंत को, ऋषभ पंत ने उसको पता नहीं बहन बोल दिया, फिर उसने उसका छोटे भाई, मतलब यार ऋषभ पंत उस लेवल का क्रिकेटर है कि भाई आपको किन चक्रों में आप पड़ रहे हो यार, किस किस के मुँह लग रहे हो आप, मतलब वाई डू यू नीड टू गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स, इग्नोर, फोकस ऑन योर क्रिकेट यार, यू आर अ फ्यूचर सुपरस्टार फॉर इंडियन क्रिकेट, किन चक्रों में पड़े हो भाई तुम,
मतलब ये चीजें दिस विल हैव इफेक्ट ऑन योर कंसंट्रेशन व्हेन यू गो टू प्ले इन द एशिया कप एंड वर्ल्ड टी20। तो मैं समझता हूँ ऋषभ पंत को तो इन चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। ही शुडंट बी गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस। जो लिखती है लिखने तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऋषभ पंत को अपनी तरफ से बिल्कुल हाथ हटा देना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, कोई जरूरत नहीं एक ट्वीट करने की भी यार। जो तुम्हारा काम है क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट खेलो, दैट्स इट। बाकी यार यहाँ पर पाकिस्तान में भाई एस्ट्रोटर्फ का एक बड़ा स्कैंडल चल रहा है कि लाहौर हॉकी स्टेडियम में जो एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ था, और क्रिकेटिंग शॉट्स भी मारना चाहिए तो क्रिकेटिंग शॉट भी इनके पास बहुत है, और बाद में जब उन्होंने 5 चौके मारे तो सारे क्रिकेटिंग शॉट्स थे। तो आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम ऋषभ पंत आई थिंक इज गोना बी द सुपरस्टार, और सुपरस्टार उनको बनना चाहिए। टैलेंट उनके पास पूरा है, शॉर्ट उनके पास पूरी है। अब यहाँ से उनको रोकना, वो अपने आप को रोक सकते हैं और उनको कोई नहीं रोक सकता। बस अपना थोड़ा फिट फिजिकल फिटनेस अपने ठीक कर लें और छा जाए मार्केट में। जी देखें, हर बंदे का हिस्सा होता है मार्केट में, और ज़रूर एज अ इस इनिंग्स के बाद वो सुपरस्टार गिने जाएंगे। बार मुझे जो बहुत खुशी हुई एक चीज़ की, कि वो हार्दिक पांड्या की, कि शुक्र एज अ बॉलर मुझे वो चाहिए थे, क्योंकि वो टीम का बैलेंस पूरा करते हैं। और मुझे ये खुशी होती है कि जब वो अपनी फिटनेस के बारे में सीरियस हो गए हैं। अच्छा झटका लगा उनको, 1-2 साल उनको टीम को बाहर रखा, अनफिट थे सजा के तौर पर, जैसा भी था, बहरहाल वो कैजुअल थे अपनी ज़िंदगी में, बेहतर हो गए, फोकस लगे, और ही सीम्स टू एंजॉयिंग हिज लाइफ एट द सेम टाइम ऑन द फील्ड। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऋषभ पंत इंडिया के आने वाले फ्यूचर के बहुत ही बड़े क्रिकेट के भागीदार हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी विकेट कीपिंग है, और वो विकेट कीपिंग में भी बहुत सारे कारनामे कर चुके हैं और करते जा रहे हैं, दिन पे दिन इम्प्रूवमेंट लाते जा रहे हैं, और महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनना चाहते हैं, एडम गिलक्रिस्ट जैसा बनना चाहते हैं, और बल्लेबाजी भी खासतौर पर उनकी कुछ अजीब है, और वो कुछ अजीब प्रकार की बैटिंग करते हैं, फिर भी इतने सारे रन्स बनाते हैं, इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाते चले जा रहे हैं। इस चीज़ को देखकर पूरी दुनिया ऋषभ पंत की फ़ैन है कि आखिर ऋषभ पंत इतना अमेजिंग बल्लेबाज कैसे हो सकता है, और इतनी इमेजिंग बैटिंग कैसे कर सकता है। और साथ ही साथ उनका इस बयान पर उर्वशी रौतेलिया को जिस प्रकार से उन्होंने लताड़ा है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स और उनकी इस नटखटे अंदाज को लेकर काफ़ी लोग दीवाने भी हो चुके हैं कि ऋषभ पंत जिस प्रकार से उनको जवाब दिया है, वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए उर्वशी रौतेलिया को, क्योंकि उनका ये बिहेवियर बहुत ही गलत था, और उन्होंने जिस प्रकार से RP लिखा था, यानी ऋषभ पंत लिखा था, ये बहुत ही गलत था, जो कि ऋषभ पंत अपने ट्वीट में साफ तौर से लिख दिया कि दीदी आप मेहनत करके फेम बनाइए, किसी का नाम यूज के नाम मत बदनाम कीजिए किसी का नाम यूज करके। तो ऋषभ पंत का ये बयान आप लोगों को दोस्तों कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस और अपडेट लाते रहें। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।